नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सनावत नगर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। नगर के 18 वार्डों में पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए मतदान किया गया। पार्षद पद को लेकर कई वार्डों में भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा। बारिश में गुरु पूर्णिमा के कारण मतदान भी प्रभावित हुआ। मतदान केंद्रों पर नगर पालिका की लापरवाही भी नजर आई। बारिश के कारण कीचड़ से मतदाता गुजरते दिखे। भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी जीत को लेकर दावे किए हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? मतदान इतनी बारिश होने के बावजूद भी मतदान बहुत अच्छा हो रहा है। जनता के प्रति उत्साह है, जनता में बहुत उत्साह से वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितनी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे पूरा 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 विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट सनावत में लड़ रहे हैं वो सभी विजय श्री को प्राप्त होंगे। ऐसा लगता है जैसे आज बारिश भी हुई है और कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है, तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत है वो प्रभावित होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। कितने अस्वस्थ है आप अपनी जीत को लेकर? पूरे 100%, 101%। निश्चित रूप से मेरी जीत है, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे शिवराज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो चला रखी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ दिलाया है उसका हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। अध्यक्ष रहे लालजी शर्मा से है, कितने अस्वस्थ हैं आप अपनी जीत को लेकर? वार्ड क्रमांक 6 मेरा परिवार है, वो परिवार को कोई तोड़ता नहीं है, इसलिए बस परिवार की जीत होती है हमेशा। आज से गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत है वो प्रभावित होगा? नहीं नहीं, सब अपने उससे हर व्यक्ति प्रभावित है, मतलब वोट डालने के लिए। इस भर बारिश में भी हर व्यक्ति छाता लेकर आया है और अपना मतदान दिया है, क्योंकि हर एक एक वोट की कीमत हर व्यक्ति समझता है। आप अपनी जीत को लेकर कितने अस्वस्थ हैं? ऐसा कहना चाहती हूँ मैं कि बस गुरुदेव का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से बारिश होने के बावजूद भी सनावत नगर के मतदाताओं ने मतदान में सक्रिय रूप से भाग लिया, इसके लिए मतदाताओं का बहुत बहुत आभार है। रही बात मतदान के पश्चात जीत की, तो निश्चित रूप से पूरे सनावत नगर में कांग्रेस की परिषद बनेगी। मेरा अनुमान है कि निश्चित 18 के 18 पार्षद सनावत नगर में जीतेंगे कांग्रेस के। जीत को लेकर भैया, जीत तो मान के चलो 100% पक्की है, और परंतु अभी मतदान बारिश के कारण कम हो रहा है। अब मतदान के बाद 5 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी। किस प्रकार का जनता के प्रति आपके किन कार्यों को लेकर आप जनता के बीच में गए और किसने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जल भराव और नालियां रोड, उसी को लेकर हम जो लोकल की समस्या है उन्हीं को लेकर हम चुनाव उतरे हैं, और हमने जनता को अगर हमको आशीर्वाद देती है तो हम उनको पूर्ण करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान जारी है। सुबह से ही लगातार बारिश का दौर चल रहा था, उसके बाद अब बारिश बंद हुई है, एक बार फिर वापस मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में कोई खासा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का लोग ही मतदान करने के लिए अभी आ रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व होने से कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत काफ़ी प्रभावित हो सकता है। नगर के 18 वार्डों में नगर पालिका पार्षद पद के लिए चुनाव संपन्न हो रहा है। सनावत से नीलेश मालाकार।